स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वे ख्याली पुलाव ना पकाएं, वो अपने दल और अपनी स्थिति को देखें, किसी के घर में ताकझांक ना करें। दुर्ग जिले में सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रमन सिंह की वो बातें याद आ रही हैं जब वो कहते थे कि भूपेश सुबह तैयार होकर मीडिया से बात करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। आज यह बात रमन सिंह पर लागू हो रही है। पुरंदेश्वरी कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री का अभी कोई चेहरा नहीं है। आज रमन सिंह की बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। अब स्वास्थ्य मंत्री जी किसी को बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात होती है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। सब अनुमान लगाते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है, मगर उनके चेहरे को देख कर लगता है कि बड़े आशान्वित हैं। रमन सिंह जी ख्याली पुलाव मत पकाएं, वो अपने दल के और अपनी स्थिति को देखे, दूसरे घर में ताक झांक उसे नहीं करना चाहिए। जहां तक रमन सिंह जी की, मुझे वो बात याद आ रही है जब वो, मैं जब भी मीडिया से बात करता था तो ये कहते थे कि भूपेश सो को उठ के तैयार होते हैं और सीधा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो जो वो बात उस समय मेरे लिए बोले थे, आज वही बात उसके लिए लागू हो रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है। पुरंदेश्वरी देवी तो वैसे ही बोल दिए कि हमारा चेहरा नहीं है, उसके बाद बोले कि बहुत लोग हैं हमारे योग्य व्यक्ति, उसमें छोटा चेहरा मैं भी हूँ। पुरंदेश्वरी जी उसको भी नकार दिए। तो अब रमन सिंह जी के किसी बात का जवाब देने के लायक रहे नहीं, जब उनकी पार्टी में उनकी ये हैसियत बना के रखे हैं। हमको बहुत दुख होता है कि 15 साल के मुख्यमंत्री, हम तो उसको आज भी नेता मानते हैं, लेकिन उसी के दल के लोग उसे नेता नहीं मानते, तो उसके बारे में कोई बात कहना मैं उचित नहीं समझता। पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति भाई चरणजीत चानी मुख्यमंत्री बने हैं, उसे मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान की बात है, वहाँ किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, और पंजाब से जोड़ के राजस्थान को या दूसरे प्रदेश